हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभजीत और टेक्निकल शुभजीत में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आईफोन में आप सफारी ब्राउज़र के अंदर सर्चेस क्लियर सर्चेस आप कैसे कर सकते हो, ब्राउजिंग डाटा को आप कैसे क्लियर कर सकते हो। तो फिर पहले आपको जो है सफारी ब्राउज़र को जो है ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल नीचे में यहाँ पे एक बुक का आइकन है। इस बुक का आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद आप बिल्कुल राइट साइड पे एक घड़ी का आइकन शो हो रहा है आपको, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फिर आप देख सकते हो मैंने बहुत सारा सर्चेस किया है। तो फिर इसे डिलीट करने के लिए आपको बिल्कुल नीचे में क्लियर का ऑप्शन मिल जाता है, तो फिर क्लियर में क्लिक कर लेना है। तो फिर आप देख सकते हो ऑल टाइम टूडे एंड यस्टरडे टूडे द लास्ट आर करके शो हो रहा है। तो फिर मैंने ऑल टाइम कर लेना है, तो फिर ऑल टाइम पर क्लिक किया मैंने। उसके बाद आपको ऊपर में डन बटन में क्लिक कर लेना है, तो फिर सब जो है सर्चेस डिलीट हो जाएगा, ब्राउजिंग डाटा एंड सर्च हिस्ट्री। इस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो। तो फिर मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल का अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।